सो so, बायोटेक्नोलॉजी में उसके बारे में भी पढ़ेंगे एंड कैसे होता है क्या क्या टूल्स यूज होते हैं ऐसी क्या क्या चीजें यूज करते हैं जिसकी वजह से हम पूरा पूरा अपना जेनेटिक मेकअप पूरा अपना डीएनए मेकअपरएनए सब चेंज करने की कैपेसिटी रखते हैं दिस वुड बी एक्सप्लेन इन बायोटेक्नोलॉजी सो बायोटेक्नोलॉजी इज डिफाइंड एज जब हम किसी ऑर्गेनिज्म या उस ऑर्गेनिज्म के किसी पर्टिकुलर एंजाइम को यूज करते हैं टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट और अ प्रोसेस विच विल बी यूजफुल टू ह्यूमंस। अब जैसे हमने एक ऑर्गेनिज्म लिया अब वो ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो सकता है ठीक है मतलब इट्स नॉट डिपेंडेंट कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं so, सो हम जैसे हम कोई भी ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें जैसे बैक्टीरिया वायरस फंजाई कोई भी उस ऑर्गेनिज्म को लाइक एज अ होल यूज किया या फिर उसके किसी पर्टिकुलर कंपाउंड को यूज किया जैसे उसकी एंजाइम ले ली उस एंजाइम की मदद से फाइनली जब कोई नया प्रोडक्ट बनाया या फिर कोई नया प्रोसेस डेवलप किया उसकी पर्टिकुलर इस चीज की मदद से विच इज यूजफुल टू ह्यूमंस Ke काम आए जो चीज दिस इज एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी ये हुई बायोटेक्नोलॉजी दिस इज बायोटेक्नोलॉजी ठीक है जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल है जैसे कर्ड है दही बनता है दही में क्या होता है आई थिंक दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन दही में लैक्टिक एसिड का बैक्टीरिया होता है लेक्टो होता है सो दिस इज द ऑर्गेनिज्म से आपके तो, ऑर्गेनिज्म का क्या लिया अपने ऑर्गेनिज्म की एक इंजाइन ली जिसकी वजह से मिल्क की कर्डलिंग हो जाती है तो आपके लिए दही रेडी हो जाता है तो वो ह्यूम खा रहे हैं सो कर्ड इज ऑल्सो एक्जाम्पल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ओनली ठीक है देन ब्रेड बनती है ब्रेड को जो राइज अप करवाते हैं वो भी यीस्ट की मदद से करवा देते हैं सो दिस इज अगेन जिसमें आपने एक ऑर्गेनिज्म को यूज किया ह्यूमन्स के लिए प्रोडक्ट या प्रोसेस के लिए ह्यूमन्स के लिए एक प्रोडक्ट या फिर प्रोसेस में यूज किया वाइन जो बनती है वाइन भी फर्मेंटेशन से बनती है एंड फर्मेंटेशन में अगेन ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं जो किस लिए इस्तेमाल हो रहे हैं एक प्रोडक्ट बनाने के लिए विच इज कॉल्ड एज वाइन जो किस लिए यूज हो रहा है ह्यूमन्स के लिए सो so, अभी लाइक uh, like, अभी मतलब एक बेसिक डेफिनेशन यही कह रही है कि किसी तरीके से हम एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हैं या उसके किसी पर्टिकुलर एंजाइम को या उसके पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को यूज करते हैं टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट और अ प्रोसेस व्हिच वुड बी यूजफुल टू ह्यूमंस आज के टाइम पे इसको थोड़ा सा और डिफाइन कर देते हैं एक्जैक्टली exactly अगर बायोटेक्नोलॉजी को रेफर करें तो कुछ जगहों पे आपको यह भी मिलेगा दैट बायोटेक्नोलॉजी इज द यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म टू अचीव द सेम ऑन अ लार्जर स्केल टू अचीव अ अ अ प्रोडक्ट और प्रोसेस ऑन लार्जर स्केल मतलब जैसे एक ऑर्गेनिज्म को यूज करेंगे उसको जेनेटिकली मॉडिफाई करेंगे उस ऑर्गेनिज्म को अपने हिसाब से चेंज करेंगे एंड देन उससे वो प्रोडक्ट बनाएंगे अच्छे स्केल पे जैसे इसका एक बेसिक एग्जांपल मैं बताती हूँ um, इट्स अ वेरी इजी वन दो बट हाँ इट वुड बी एन इंटरेस्टिंग वन कि कैसे करते हैं जैसे आपके सामने एक ऑर्गेनिज्म है जो मान लीजिए बायोप्लास्टिक बनाता है प्लास्टिक जो होती है वो कभी डिग्रेड नहीं होती ना तो मान लीजिए एक आपके पास एक बैक्टीरिया है जो बहुत सारी बायोप्लास्टिक प्लास्टिक बनाता है जो खत्म हो जाती है टाइम के साथ ठीक है अब आपको पता लग रहा है लेकिन ये मान लीजिए एक घंटे में एक ग्राम बायो बना रहा है तो आपको लग रहा है ये तो बहुत कम है इसकी वो जीन आइडेंटिफाई कर ली जाएगी जिसकी वजह से ये बायोप्लास्टिक बन रहा है इस जीन को निकाल के दूसरे एक ऑर्गेनिज्म में डाल देंगे जिसका दूसरे वाले ऑर्गेनिज्म को दे देंगे जो मान लीजिए इससे तेजी से ग्रो करता है और मान लीजिए एक घंटे के अंदर पांच ग्राम बायोप्लास्टिक निकाल बना के देगा आपको सो दिस इज हाउ जो ये ऑर्गेनिज्म है यहां से शुरू किया वन से शुरू किया इसकी जीन निकाल के टू को दे दी तो ये जो टू वाला है इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड बोला जाएगा

एग्जाम्पल के केस में और भी बायोटेक्नोलॉजी के बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जैसे जो टेस्ट ट्यूब बेबी बनता है दैट इज ऑल्सो बायोटेक्नोलॉजी एक जीन बनाई जिससे आपने वैक्सीन बना ली या फिर एक जीन को ठीक कर दिया बॉडी के अंदर दीज ऑल आर बायोटेक्नोलॉजी जैसे जैसे ये वैक्सीन जो बन रही है कोरोना की कोरोना की वैक्सीन भी इज ऑल बायोटेक्नोलॉजी एक जीन आइडेंटिफाई करी जिस जिसकी वजह से आपको वो पर्टिकुलर कोरोना वायरस की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है एंड देन वो आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दी गई हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में ऑलरेडी पढ़ा था कि वो एज अ एंटीजन रिकॉग्नाइज करी जाएगी एंड बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है सो दिस इज ऑल बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी और आपने एक तरीके से पूरी डेफिनेशन जो है वो जस्टिफाई हो रही है ना आपने किसी ऑर्गेनिज्म का कुछ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल या उस ऑर्गेनिज्म को यूज किया अपने फायदे के लिए अपने बेनिफिट के लिए एंड देन उसकी वजह से आपकी वो वैक्सीन बनी वो वैक्सीन आपकी वजह वो वैक्सीन की वजह से आपकी बॉडी के अंदर कोरोना के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती हैं सो दिस इज ऑल बायोटेक्नोलॉजी इन फर्टिलाइजेशन क्या होता है बाहर पेट्री प्लेट के अंदर लाइक uh, like बाहर लैब्स में पेट्री प्लेट के अंदर स्पर्म जो मेल रिप्रोडक्टिव गैमीट है एंड देन ओवा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमीट है

आप अपनी तरफ से भी मतलब एज अ होमवर्क यू कैन टेक दिस एज अ नॉर्मल असाइनमेंट यू कि आप अपनी तरफ से कुछ एग्जांपल्स मुझे बताएंगे इन कमेंट डाउन बिलो दिस वीडियो की आपके हिसाब से और बायोटेक्नोलॉजी की कौन से एग्जाम्पल आपको पता है जहां हमने किसी और ऑर्गेनिज्म को अपने बेनिफिट के लिए यूज किया एंड दिस इज लाइक यू कैन नेम एनीथिंग जो मैंने बताया उसमें भी कोई और फर्दर एग्जाम्पल पता हो तो वो भी बताइएगा इसके अलावा uh, बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन करने के लिए दर मल्टीपल डेफिनेशन बहुत सारी डेफिनेशन दी जाती है बायोटेक्नोलॉजी बताने के लिए बट क्योंकि अब भैया वी आर रिस्ट्रिक्टिंग आवर सेल्फ टू सिंपल वन सो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन किया है एज यू कैन रीड इट योर अलॉन्ग विद मी द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स सेल्स पार्ट्स देयर ऑफ एंड मॉलिकुलर एनोलॉग्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेस सेम है ऊपर जो बताई थी वैसी ही है बस उससे थोड़ा सा लाइक डिफिकल्ट करके मतलब उसके कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स ऐड कर दिए गए हैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर दिए गए हैं साइंस और ऑर्गेनिज्म कंबाइन किए जाएंगे साइंस का यूज करते हैं ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ऑर्गेनिजम्स पूरे भी यूज कर सकते हैं उनके सेल्स भी यूज कर सकते हैं उनका कोई पार्ट भी यूज कर सकते हैं या फिर उनका कोई मोलिकुलर मोलिक्यूल यूज कर सकते हैं जैसे कोई एंजाइम यूज कर ली या कोई प्रोटीन यूज कर लिया

बट देर आर टू कोर टेक्निक्स विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हियर टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और दो कोर टेक्निक्स के बारे में हम पढ़ेंगे पहली है जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सी टेक्निक्स यूज होती हैं और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स भी यूज होती है जैसे जैसे बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्रेस कर रही है जैसे जैसे चीजें और ज्यादा अच्छी होती जा रही है उस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सी अच्छी चीजें इस्तेमाल होती हैं जिसके अंदर बेसिक दो ये टेक्नीस हैं जो हमेशा ही इंटीग्रेटेड होती हैं एक जेनेटिक इंजीनियरिंग एक को कहते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग अब हम देखेंगे कि एग्जैक्टली exactly किसमें क्या होता है एक ब्रॉडली इसको समझ लेते हैं सो so, सबसे पहले बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की जी आपकी बॉडी के अंदर या फिर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट होता है हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा था तो जो न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट होता है वो दो तरीके का होता है आरएनए भी होता है कईयों हो में एंड डीएनए भी होता है तो किसी का डीएनए या किसी का आरएनए निकाल के किसी और ऑर्गेनिज्म में डाल देना ठीक है Let's just use some other color. तो ये दूसरा ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर निकाल के आपने इस वाले का डीएनए डाल दिया जैसे मान लीजिए ठीक है सो so ये जो हम प्रूव प्रोसेस कर रहे हैं जिसके अंदर लाइक एक का यूज करके दूसरे में इंट्रोड्यूस कर देते हैं दिस इज अ टेक्निक विच इज कॉल्ड एज जेनेटिक इंजीनियरिंग ठीक है ओके okay? इसमें मतलब आप इसको यूज करते हैं डीएनए और आरएनए को यूज करते हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनेज जरूरी नहीं आप फुल फुल डालेंगे एक पर्टिकुलर कंपोनेंट भी डाल सकते हैं इस पर्टिकुलर न्यूक्लियर मटेरियल का कुछ कंपोनेंट भी डाल सकते हैं एंड देन दूसरे में इंट्रोड्यूस कर देते हैं इसकी वजह से इसका फिनोटाइप चेंज हो जाता है इस ऑर्गेनिज्म का जैसे मान लीजिए इस ऑर्गेनिज्म का नाम ए इस ऑर्गेनिज्म का नाम बी ठीक है तो ए का डीएनए का कुछ पार्ट या पूरा डीएनए आपने बी में डाल दिया ठीक है उसके अंदर जैसे ही आपने इंट्रोड्यूस करा तो इस ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे इसका फिनोटाइप चेंज हो जाएगा फिनोटाइप मतलब जैसे एक ऑर्गेनिज्म है जैसे ह्यूमंस के केस में समझ के चलते हैं ठीक है इसके बाल काले हैं ठीक है और इसके मान लीजिए इसके बाल स्ट्रेट है इसके मान लीजिए कर लिए ठीक है इसके इसकी हाइट छोटी है इसकी हाइट लंबी है तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो बाहर से हमें दिखाई देते हैं दीज आर द फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ठीक है तो इसका जो ये ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर आपने नया वाला आपने डीएनए डाल दिया है तो इसका फिनोटाइप चेंज हो जाएगा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाएंगी जिसकी जो क्यों चेंज हुई है क्योंकि आपने उसका न्यूक्लियर मटीरियल चेंज कर दिया या न्यूक्लियर मटीरियल में एडिशन कर दिया नेक्स्ट टेक्निक है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियरिंग में जैसे जो केमिकल्स प्रोडक्शन होती है या फिर जो केमिकल इंडस्ट्रीज uh, होती है जहां पे अलग अलग प्रोसेसेस चलते हैं उसके अंदर जैसे मान लीजिए केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर एकदम माइक्रोब कंटेमिनेशन फ्री आपको ये तो पता ही है कि जैसे अब मैं यहाँ पे बैठी हुई हूं मेरे आसपास बहुत से माइक्रोब्स हैं जो मुझे नहीं नजर आ रहे आप जहाँ बैठे हुए हैं वहां पे बहुत सारे माइक्रोब्स हैं मेरे इस पेन पे बहुत सारे माइक्रोब्स हैं मेरे इस लैपटॉप पे बहुत सारे माइक्रोब्स हैं हर जगह बहुत 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 सारे माइक्रोब्स प्रेजेंट है मैं कि एक पर्टिकुलर माइक्रोब से, जैसे मैंने ऊपर एग्जाम्पल दिया था कि एक एक माइक्रोब ग्राम प्लास्टिक बना रहा था लेकिन मैं चाहती हूं बस वही माइक्रोव इस्तेमाल हो पाए, और कोई जो आसपास घूम रहे हैं, वो सारे इस्तेमाल ना हो जाए मेरे केमिकल प्रोडक्शन में पूरी की पूरी स्टराइल कंडीशन को मेंटेन करना जहां पे सिर्फ वो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा जिसको आप चाहते हैं जैसे आप चाहते हैं कि ए वाला ही ग्रो करे तो आप बिल्कुल माइक्रो कंटेमिनेशन कंडीशन फ्री कर देते हैं यहाँ पे और कोई ग्रो नहीं करेगा सिर्फ इसमें ए ए ए ही ग्रो करेगा यहाँ आप इसकी बहुत सारी ग्रोथ करवा देंगे एंड देन इससे वो प्रोडक्ट निकाल लेंगे जो आप चाहते हैं जैसे हमने ऊपर वाला बायोप्लास्टिक बनाया था ठीक है

तो प्रोटीन यूज कर रहे हैं कोरोना के मरे हुए वायरस का जो आपकी बॉडी में डाला जाता है एंड देन फाइनली आपकी बॉडीज एंटीबॉडीज बना रही है एंड देन आपको सरवाइवल मिल रहा है ठीक है एंटीबॉडीज है ये ओके या सो जब आपकी बॉडी में डाल रहे हैं तो इस चीज का पूरा ध्यान रखा जा रहा है जब वो वैक्सीन बन रही है कि उस टाइम पे इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अलावा इस डेड वायरस के अलावा आसपास में कुछ ना हो एकदम मेंटेन करी जा रही हैं तो जिन फैक्ट्रीज में जिन इंडस्ट्रीज में आपका कोरोना वायरस की वैक्सीन बन रही है तो वहां पे ये जो प्रोसेस हो रहा है उसको बोलेंगे कि बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग करी जा रही है दिस इज हाउ इट इज डन ओके सो दिस इज अबाउट जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड देन वी आर गोइंग टू मूव फर्दर कि जेनेटिक इंजीनियरिंग एग्जैक्टली करी क्यों जा रही है जेनेटिक इंजीनियरिंग करने की जरूरत क्या पड़ रही है हम बायोटेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ क्यों रहे हैं ऑब्वियसली एक रीजन तो आपके सामने है कि प्रोडक्ट्स बनते हैं जो हमारे काम आ रहे हैं प्रोसेस हैं ऐसे जैसे फर्मेंटेशन इज अ प्रोसेस फर्मेंटेशन करने से हमें वाइन मिल रही है वाइन भी हमारी काम आ रही है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करने से दही बन रहा है दही भी हमारा काम आ रहा है तो एक तो सबसे बड़ा रीजन है कि हमारे काम आ रहे हैं बट कॉन्सेप्ट क्या है एग्जैक्टली जेनेटिक इंजीनियरिंग करती क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे बट बिफोर वी प्रोसीड फर्दर टू दिस टॉपिक लेट जस्ट सी अ वेरी बेसिक वीडियो छोटा सा मैं उसको इसीलिए इनकॉपरेट करूँ ताकि इंटरेस्ट बने इस टॉपिक की वजह से दिस इज फ्रेशली न्यू आपने इससे पहले कभी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पढ़ा बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड आप देखेंगे अभी जैसे हम प्रोसीड करेंगे इसमें क्या क्या फर्दर अः प्रोसेसिस पॉसिबल है उसको देख के इट वुड बी रियली अमेजिंग टू नो की कितने बड़े लेवल तक हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी so just to increase your interest we are going to share a small video with you and then you are going to appreciate it a much better way so this is going to start with kaise lactose tolerant lactose tolerant intolerance start ho video and then it's going to move forward this is a common tag which is found in many food packets these days lactose as we know is a natural sugar found in milk but why should we get rid of lactose? That's because many people have a peculiar intolerance towards this natural sugar. However, lactose free products were not an option until a few years back. It's all possible now, due to the advancements in the field of biotechnology, that useful products like lactose free consumables and many more can be produced. What exactly is biotechnology? well it's defined as the utilization of organisms or a part of the organism or any biological process for the benefit of mankind for example we know how bread is made the dough is added with the organisms like yeast which help in releasing certain chemicals the reactions ultimately give us the soft and fluffy loaf on baking here we've used yeast organism to obtain the product of our interest so, do we mean that bread making is a part of biotechnology? Well, kind of. Processes like fermentation are considered as a part of classical biotechnology as they include the utilization of organisms. Thus, obtaining products for human benefit like food items, medicines, hybrid crops, and so on are all possible due to biotechnology. Thus, there are numerous applications of biotechnology. Now, let's have a look at a few examples to understand how wide the field is. Let's also understand how an organism or a part of it or some processes can be used to harvest important products for mankind. Let's take examples of wine production, hepatitis B vaccine synthesis, and golden rice production. Let's have a look at each individually. Now, wine is usually made from the grapes. How can grapes, which are fruits, get converted to a beverage like wine? Well, this is where the microorganism named yeast comes into play. It feeds on the sugars present in the grape juice and releases alcohol and carbon dioxide as byproducts. Here, a complete organism is used for the processing of grape juice and to convert it into wine. This was the first part of the definition. The second part of the definition states that a part of the organism can be used. So, how can that be done? For this, let's have a look at the application of biotechnology in the field of medicine. Well, the emergence of biotechnology has been nothing less than a boon for the medical industry. Everything ranging from vaccines to gene therapy has raised the standards of healthy living now let's take hepatitis b vaccine as an example. this vaccine has a recombinant version. previously, hepatitis b vaccine was developed from the blood of the humans who were already suffering from hepatitis b. but this was very painful for the patients as the amount of blood required for vaccine production was too high. so extracting some particular amount of blood of the infected person was very excruciating and as the vaccine was derived directly from the patient's body there could be negative reactions in the receiving candidate with the development of biotechnology newer vaccines that are synthetic in nature started getting produced on the similar lines the commercially available hepatitis b vaccine is now being synthetically made by utilizing a small part of the pathogenic virus

This is just to increase your interest in the topic, and see this ki se field of biology ki which is responsible for so much additional benefits. It with hepatitis B is nearly impossible if a person is injected with recombinant hepatitis B vaccine. Isn't this a miracle? It is equivalent. This is also known as the first anti-cancer vaccine. And why so? Because it's proven that the vaccine helps in reducing the chances of developing liver cancer. This is one example of how a part from any organism can be used for product development. Now that we've glanced at the two examples of application of the biotechnology, let's move ahead to the third one. The last part of the definition stated the use of a process. Let's take the golden rice as our third example. Is the rice made of gold? No, absolutely not. Then why is it called golden rice? Well, the rice we usually see is whitish in color. However, the golden rice we're talking about is a modified version which is yellowish in color. Hence the name golden rice. But what makes this rice yellowish and so important? It's the presence of beta-carotene in the rice. And what is that? Beta carotene is a red orange colored pigment which gets converted to vitamin A in the human body. We all know the importance of this vitamin. It is most essential for the development and maintenance of good vision. The deficiency of vitamin A causes vision related issues and malnutrition. Any idea why was only rice chosen for modification? That was because the staple diet for a majority of the population in the areas affected with vitamin A deficiency was rice. So, to minimize the deficiency, this variety of rice was developed. The modification of rice was done by exploiting a biological process, making it a classic example of biotechnological achievements. This variety of rice Falls under the category of genetically modified organisms, abbreviated as GMOs. And what exactly are these GMOs? Do you watch our upcoming videos to. सो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म किसी ऑर्गेनिज्म का कुछ पर्टिकुलर कम्पाउंड uh, या प्रोटीन या मॉलिक्यूल को चेंज कर देते हैं अपने बेनिफिट के हिसाब से जिससे प्रोडक्ट जो है अच्छा बनेगा जैसे अब इसने गोल्डन राइस के बारे में बताया ऐसे बहुत सारे जेनेटिक मॉडिफाइड आपके सामने वेजिटेबल्स और सीरियल्स हैं बहुत से एग्जाम्पल है जैसे देर इज बीटी ब्रिंजिलर इज टोमेटो एज वेल टमाटो जनरली आप सबने देखा होगा घर में अगर बहुत समय तक टमाटर अच्छे से फ्रिज में ना रखा हो या बाहर रह जाए तो उसकी शेल्फ लाइफ के हिसाब से कुछ टाइम बाद टमाटर थोड़ा सा पिलपिला हो खराब होने लगता है तो एक ऐसा टमाटर बनाया गया पहली बार तो टमाटर को चेक किया गया एंड चेक किया गया कि इसके अंदर ये अंदरपन पिल आता क्यों है तो उसके अंदर एक जीन होती है लाइकोपीन इज फॉर द फर्मनेस अच्छे से जो टम, बढ़िया से टमाटर एकदम फर्म और एकदम अच्छे से उस बिल्कुल भी पिलपला नहीं रहता एकदम अच्छे से फर्म रहता है

सो दिस इज इट वी विल गेट बैक टू आर नोट्स हम इसके ऊपर बात कर रहे थे वट वॉज द रीजन वट वॉज द कंसेप्चुअल डेवलपमेंट फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग एग्जैक्टली किस चीज पे बेस्ड है सो so, इतना तो आपको ऑलरेडी पता है हम इसमें छोटी सी कुछ कुछ चीजों को कंपेयर करेंगे जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब ये एक चीज बताइए आपको क्या लगता है कि ए सेक्शुअल रिपोडक्शन सॉरी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करने के क्या फायदे हैं और ए सेक्शुअल करने के क्या फायदे नहीं है या फिर दोनों में क्या डिफरेंस रहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता है कि दो अलग जगह से गेमिट आता है मेल गैमिट और फीमेल गैमिट आके फ्यूज करते हैं एंड देन फाइनली ऑफस्प्रिंग बनता है उसकी वजह से बच्चे के अंदर दोनों तरफ की वैरायटी आती है एंड बच्चे के अंदर बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिलते हैं सो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन तो आपको वेरिएशन देता है बट ए सेक्शुअल रिपोडक्शन में सिर्फ एक ही गैमिट आता है या फिर एक ही ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है तो एक ही ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है तो कुछ नयापन नहीं आता है लेकिन जो कैरेक्टर्स पहले से चलते आए हैं वो प्रिजर्व रहेंगे आपका कोई भी कैरेक्टर जाएगा नहीं क्योंकि आपके अंदर कोई भी नया वेरिएशन नहीं हो रहा है सो ए सेक्शुअल रिपोडक्शन होगा तो आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रिजर्व रहेगी वो कहीं नहीं जाएगी वैसी की वैसी मेंटेन रहेगी वाइल सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसकी वजह से आपके अंदर वेरिएशन आते हैं पहले जो हाइब्रिडाइजेशन करी जाती थी ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन जो होती थी, दो अलग एंड फाइनली कुछ नया बनाया जाता था उनके केस में ऐसा होता था जैसे प्लांट और एनिमल ब्रीडिंग करी जाती थी और ट्रेडिशनली जो करी जाती थी कि अलग अलग जगह से दोनों को मिला के बनाते थे उसकी वजह से कुछ ऐसी जीन्स भी आ जाती थी जो आपको नहीं चाहिए होती थी ये परेशानी होती थी पहले पुराने टाइम पे इस चीज की चीज परेशानी देखी गई कि जो आपको नहीं चाहिए होता था ना वो भी आ जाता था तो अनडिजायरेबल जीन्स आने के चांसेस होते हैं ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में पुराने समय, पुराने समय मतलब जो तरीके से हाइब्रिडाइजेशन करी जाती थी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है आई थिंक अगेन भाई बहुत ज्यादा ब्रॉडली डिफाइन करते हैं इतना स्पेसिफिक नहीं बोल सकते क्योंकि इट्स अ ब्रॉड टर्म ओनली सो हाइब्रिड क्या होता है किसी भी दो चीजों से या फिर किसी भी एक से ज्यादा चीज से बना हुआ सो so, दो अलग जगह से किसी को लाके एंड देन कुछ बनाना दैट इज हाइब्रिडाइजेशन जैसे एक एग्जांपल देती हूँ देर आर केसेस जिसके केस में हॉर्स और डोंकी का क्रॉस करवाया जाता है और उन दोनों का एक नया ऑफस्प्रिंग बनाया जाता है ऐसा भी करा गया है ठीक है सो ये जो होगा दिस इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन ठीक है दो अलग जगह से कंपाउंड में यू मेक समथिंग एल्स दिस हाइब्रिडाइजेशन। ट्रेडिशनली जब किया जाता था ना तो कुछ ऐसी जीन्स भी आ जाती थी जो आप नहीं चाहते थे जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह करके आपका ऐसा डीएनए बनता है ऐसी क्लोनिंग होती है, ऐसा जीन ट्रांसफर होता है जिसकी वजह से जो आप चाहते हैं बस वही जाएगा उसके अलावा और कुछ भी नहीं जाएगा जिसमें जैसे मैं आपको अगेन एग्जाम्पल से बताती हूँ दिस एग्जाम्पल से जैसे जो आप चाहेंगे बस वो ठीक है जैसे मान लीजिए इस ऑर्गेनिज्म के अंदर इस इस, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर मान लीजिए एक अच्छी जीन है जिसकी वजह से ना इसके हेयर बहुत अच्छे ग्रो करते हैं इस इंसान के बाल बहुत अच्छे हैं तो जेनेटिक इंजीनियरिंग आपको ये अलाउ करती है कि जो जीन रिस्पॉन्सिबल है उसके इतने अच्छे बालों के लिए आप उसे आइसोलेट कर लेंगे उसी जीन को स्पेसिफिकली उसी जीन को एंड देन जैसे मान लीजिए इस लड़की के बाल अच्छे नहीं है एक एग्जाम्पल के लिए लेके चल रहे हैं जैसे मान लीजिए इस लड़की के बाल अच्छे नहीं है तो ये जीन आइसोलेट करके इस इस लड़की लड़की के बालों में डाली जा, इस लड़की की बॉडी में डाली जा सकती है एंड देन इस लड़की के बाल भी अच्छे हो जाएंगे लाइक एक्सपेक्टेड ग्रोथ यही है ठीक है सो जो जीन चाहिए उसी जीन को आइसोलेट करके उसकी क्लोनिंग करके उसको नई जगह पे ट्रांसफर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग जो पहले लाइक ट्रेडिशनल टाइम्स में जो हाइब्रिडाइजेशन करी जाती थी उसके बेसिस पे और भी बहुत सारी जीन्स आ सकती थी इसके साथ लेकिन जो आप जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू करते हैं उस केस में ऐसा नहीं होता ठीक है अब एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं करते कि यहां से जीन उठाई इंजेक्शन से और दूसरी जगह जीन दे दी देर इज अ मेथड अब एक्जैक्टली ऐसा क्यों नहीं कर सकते उसका भी बताते हैं क्या प्रोसेस रहता है जिसकी वजह से ये नहीं हो पाएगा अब अपने लेवल पे भी आप लोग सोचिएगा उसके बाद फिर मैं भी बताती हूँ वट डू यू थिंक वट वुड बी द फेट ऑफ अ पीस ऑफ डीएनए जो एक दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल दिया जाए एलियन ऑर्गेनिज्म मतलब कोई फर्दर दूसरा ऑर्गेनिज्म में डाल दिया जाए मान लीजिए आपके पास एक डीएनए है किसी का भी है पता नहीं किसका है मतलब ऐसे मान के चल रहे हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का है उसे आपने किसी नए ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल दिया तो आपको क्या लगता है क्या होगा उस डीएनए का बॉडी मतलब क्या करेगी एकदम जैसे मैंने अभी जीन बताई ये जीन यहां से हेयर से निकाल के दूसरे में डाल दी मैंने एकदम तो लड़की की लड़की की बॉडी उस केस में क्या करेगी रिजेक्ट कर देगी उस पर्टिकुलर जीन को जब तक वो जीन जब तक वो पर्टिकुलर जीन या वो पर्टिकुलर डीएनए उस लड़की के क्रोमोजोम का पार्ट नहीं बनेगा तब तक उसकी बॉडी उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगी जो एलियन डीएनए है जैसे मान लीजिए यहां से ये यह जो उसके हेयर की जीन थी इसको इसीलिए ट्रांसफर करने का भी एक तरीका होता है कैसे कैसे करते हैं दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ये भी कायदे से ही किया जाता है एकदम उठा के इंजेक्शन से दूसरी तरह नहीं दे सकते दिस इज होल सेल ऑफ प्रोसेस जो प्रॉपरली चलता है जो आपका डीएनए है जैसे मान लीजिए जी, ये जीन है इस जीन को एक डीएनए का पार्ट है मान लीजिए ये, ये आपका डीएनए एंड ये आपकी जीन ठीक है इस डीएनए के ऊपर ये जो जीन है ये आपने इस डीएनए को उठाया एंड देन आपने इस लड़की के डीएनए में डाला ठीक है मान लीजिए ये लड़की का डीएनए और ये आपकी जीन है तो ये जीन यहां से इस ग्रीन ग्रीन डीएनए से हटके यहाँ पे इस जीन को इस क्रोमोजोम के साथ इस लड़की के डीएनए के क्रोमोजोम के साथ अटैच होना पड़ेगा तब इस डीएनए के कॉपीज बनेंगी बहुत सारे डीएनए बनेंगे इस लड़की के अंदर और सब पे वो जीन होगी सब पे वो जीन प्रेजेंट होगी ठीक है एंड जेन येट करते करते, फिर फाइनली इसके बाद इसके अंदर वो चेंज आएगा जो आप चाहते हैं या फिर जो क्या होता है जिसको कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन जिसको ओ आर आई भी लिखते हैं इसको बोलेंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन ये हर क्रोमोजोम के अंदर होता है इसी की वजह से इसका नाम जो है ये वही काम करता है ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन यही जो है यही क्रोमोजोम रिस्पॉन्सिबल है न्यूक्लियर मटीरियल uh, को रेप्लीकेट करने के लिए सो so, ये ऑर्गेनिज्म के अंदर जब आपने ये जीन डाली ये डीएनए डाला ये होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर जाने के बाद उस लड़की को होस्ट बोलेंगे ना उसके अंदर डाल रहे हैं तो उसके अंदर जाने के बाद तभी मल्टीपल कॉपीज बना पाएगा जब ये ओरिजिन ऑफ इनिशिएट करेगा एप्लीकेशन को ये सीक्वेंस जो है इनिशिएट करवाएगा को उससे पहले नहीं करवा पाएगा फिर मल्टीपल कॉपीज बनेंगी इस डीएनए की एंड देन फाइनली आपको वो चेंज मिल जाएगा जो आपको चाहिए था सो दिस इज हाउ इट इज डन अदरवाइज अगर सडनली बस आपने डीएनए डाल दिया कहाँ डाल डाल नहीं डाला कुछ फर्क नहीं पड़ता आपने उठा के बस बेसिक ट्रांसफर कर दिया है उससे कुछ नहीं होगा बॉडी उसे फॉरन रिकोगनाइज करेगी और डिग्रेड करके निकाल देगी बॉडी के अंदर से ऐसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं अब जैसे अः साधारण तरीके से आपकी बॉडी के अंदर कई बार खाने में बाल होता है जैसे खाने में बाय चांस गलती से बाल गिर गया किसी का एंड इतना छोटा बाल था आपने रियलाइज ही नहीं किया एंड वो खा गए हर बाल के अंदर भी डीएनए होता है ठीक है तो वो डीएनए जो है वो उसमें से एक्सट्रैक्ट करके एंड देन फाइनली आपकी बॉडी में मतलब आपकी बॉडी में मूव कर चुका है दिस इज अगेन अ फॉरेन मटेरियल वो बॉडी के थ्रू डायरेक्टली बाहर निकल के एक्सक्रीट आउट हो जाएगा वो आपकी बॉडी का पार्ट थोड़ी बनेगा

कि क्रोमोसोम के अंदर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है कॉल्ड एस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जिसकी वजह से रेप्लिकेशन होती है ठीक है एंड यहाँ पे ये एप्लीकेशन इस ओआरआई की वजह से ये एलियन पीस जो डीएनए आपने डाला ये जो आपने बाहर से डाला जिसमें वो जीन लगी हुई थी वो उसकी वजह से रेप्लिकेट करेगा यहां पे हर जगह वो जीन लग जाएगी एंड देन फाइनली क्लोनिंग कहते हैं इसे मल्टीपल कॉपीज जो बनी है ना एक की दो दो की तीन ये जो इतने सारे बन गए इस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्लोनिंग कहते हैं आइडेंटिकल कॉपीज बनाने को क्लोनिंग कहते हैं उस डीएनए की जो आपने डाला देन फर्दर उसी की वजह से आपको वो अचीव कर लेंगे जो आपको डिजायर्ड रिजल्ट है देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट की पहली बार ऐसा डीएनए मॉलिक्यूल कब बनाया गया था ऐसा डीएनए मॉलिक्यूल जिसके अंदर कुछ कुछ अलग अलग चीजों से इस्तेमाल करके नया डीएनए मॉलिक्यूल जैसे यहां से हमने शुरू किया था ना ग्रीन डीएनए से ग्रीन के ऊपर ये पिंक कलर की जीन थी देन हमने इसमें एक पिंक पिंक डीएनए डीएनए था पे कोई पिंक कलर की जीन नहीं थी लेकिन हमने अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करवाई तो ऐसा पहली बार कब किया गया था इसके बारे में बात करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास आई होप इट वॉज एन इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर यू बिकॉज यस अभी हम बस शुरू कर रहे हैं इसको फर्दर हम जाएंगे तो बहुत लंबा जाने वाला ये एंड बहुत अच्छा मतलब बहुत इंटरेस्टिंग पोर्शन में इंट्रोड्यूस in, होगा यू नो अबाउट सर्टेन एंजाइम्स ऐसी एंजाइम्स प्रेजेंट है आपकी बॉडी में जिसकी वजह से डीएनए को जगह जगह पे काटा जा सकता है तो उन एंजाइम्स को भी एक्सट्रैक्ट कर लिया है्यूमस ने आजकल उनकी लैब्स में सब कुछ अवेलेबल है वो एंजाइम भी है जिसकी वजह से वो जब चाहे जोन सी जीन आपकी बॉडी के अंदर जो जिस भी पर्टिकुलर सेल के अंदर प्रेजेंट है वहां पे जाके अटैक करके आपकी वहां पे जीन काट सकती है जीन थेरेपी भी बोलेंगे देंगे इसके जीन थेरेपी में ये पर्टिकुलर प्रोसेस यूज किया जाता है एंड दिस कैन हेल्प यू टू रिकवर फ्रॉम मेनी डेडली डिजीजेस जीन थेरेपी इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस बहुत सारे पैसे लगते हैं उसमें बट इट इज अ प्रोसेस विच इज वेरी लाइक इज गेनिंग वेरी हाई अटेंशन नाउ डेज एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉरिडिएटिंग मेनी प्रॉब्लम सो या बायोटेक्नोलॉलॉजी इज हेल्पफुल वेरी वेरी हेल्पफुल एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर अबाउट इट इन द नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू हैव अ ग्रेट डे